डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास एट्थ की एक और टेक्निक के साथ, एक और आइडेंटिटी के साथ, एक और फार्मूले के साथ, जो कि है हमारे पास ए प्लस बी होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी ए बी इंटू ए प्लस बी। सिमिलरली ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी ए बी इंटू ए माइनस बी। सबसे पहले हम इन दोनों फार्मूलों को प्रूव करते हैं और फिर हम इनको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते वक्त हम अपने आप से कोई प्रॉब्लम लेंगे और जनरल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे और फिर आपके लिए होगा कि आप एक्सरसाइज 6.3 जो है वो आप कर लीजिएगा। तो सबसे पहले a प्लस बी होल क्यूब, आपको पता है कि a प्लस बी होल क्यूब होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। बिकॉज अगर इसका हिंट लिखना चाहें तो a क्यूब जो है वो होता है a इंटू ए स्क्वायर। सो a क्यूब इज इक्वल टू a इंटू ए स्क्वायर। सो सिमिलरली a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला है हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है। अब नेक्स्ट स्टेप, हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन करनी है। ए को आपने मल्टीप्लाई करना है इन सब के साथ ही, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर आपने क्या करना है, बी को मल्टीप्लाई करना है इन सब के साथ, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, ए को मल्टीप्लाई करना है विद ईच एंड एवरी टर्म विद इन दिस ब्रैकेट। सो ए इंटू ए स्क्वायर इज ए क्यू, ए इंटू टू ए बी टू, ए इंटू एज ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी इंटू ए स्क्वायर इज बी ए स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज ए स्क्वायर बी। बी इंटू टू ए बी इज टू ए बी स्क्वायर एंड बी इंटू बी स्क्वायर इज बी क्यू। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब योग इधर है, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, प्लस टू ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी। टू ए स्क्वायर बी प्लस वन ए स्क्वायर बी ए थ्री ए स्क्वायर बी। देन ए बी स्क्वायर प्लस टू ए बी स्क्वायर, वन ए बी स्क्वायर प्लस टू ए बी स्क्वायर इज थ्री ए बी स्क्वायर। फार्मूला ये भी ठीक है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री कॉमन है थ्रू आउट थ्री ए, ए स्क्वायर यहाँ पर है ए यहाँ पे, तो ए भी कॉमन, बी स्क्वायर बी और बी स्क्वायर इधर है तो बी भी कॉमन, तो हमारे पास बच जाता है ए प्लस बी। सो फाइनली ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी ए बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हमारा फार्मूला प्रूव हो गया, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। उम्मीद है आपको इसका प्रूफ जो है बड़े अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा, तो इस प्रूफ को आपने एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके लिए ये क्लियर हो जाए। अब स्टूडेंट, हमने a माइनस बी होल क्यूब विच इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी प्रूफ करना है। तो
तो हम अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, विच इज ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, जस्ट लाइक ए क्यूब इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर. एंड नेक्स्ट स्टेप इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. अगेन सेम मेथड, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. द नेक्स्ट स्टेप, ए इंटू ए स्क्वायर इज ए क्यूब, ए इंटू ए स्क्वायर इज ए क्यूब प्लस इंटू माइनस इज माइनस. जब बाहर प्लस होगा अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, अगर बाहर माइनस होगा ब्रैकेट के बाहर तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज होंगे. माइनस टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर. अब जैसे मैंने आपको बताया ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होगा तो साइन चेंज होंगे. अब ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये जब ओपन करेंगे तो ये माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा और फिर माइनस आएगा. बी ए स्क्वायर, बी ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर बी प्लस, साइन चेंज होके माइनस था प्लस हो गया, टू ए बी स्क्वायर प्लस है तो माइनस हो गया बी क्यूब. नेक्स्ट स्टेप इज दिस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस टू ए स्क्वायर बी एंड माइनस ए स्क्वायर बी, ये दोनों मिलके, ये दोनों मिलके बना देंगे माइनस थ्री ए स्क्वायर बी और फिर ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर थ्री ए बी स्क्वायर. एंड इन नेक्स्ट स्टेप दिस इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी कॉमन. अब जब माइनस थ्री ए बी कॉमन लिया तो जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर ब्रैकेट के अंदर साइन ने चेंज होना है, माइनस ने प्लस बनना है, प्लस ने माइनस होना है. तो यहाँ पे बच जाएगा थ्री, तो हमने ले लिया, फिर दोनों में ए कॉमन है बी कॉमन है तो अंदर वाले साइन चेंज होंगे, ये माइनस है तो ये प्लस ए रहेगा, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस ए माइनस बी हो जाएगा. सो ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी. और कभी कभी इस तरह भी आ जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर. उम्मीद करता हूँ कि दोनों फार्मूलों का प्रूफ आपको आ चुका होगा. तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. इस वक्त हम जो अभी फार्मूले हमने प्रूव किए उनके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. याद रहे कि हम मैथमेटिक्स को जब पढ़ रहे हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम्स हम अपने आप से लें और फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो उन प्रॉब्लम को देखते हुए, उन फार्मूलों को देखते हुए एक्सरसाइज जो है वो खुद से करें. एक प्रॉब्लम मैंने दी है 5x माइनस थ्री वाई होल क्यूब सॉल्व दिस. इसको हमने सॉल्व करना है. फार्मूला क्या बन रहा है, ए माइनस बी होल क्यूब. अब बेटा याद रखना है कि अगर यहाँ पे प्लस होता तो फार्मूला ये वाला लगता, अब माइनस है तो ये लगेगा. इसी क्वेश्चन को आप फिर से सॉल्व करना, दरमियान में प्लस ले लेना, तो ये आपने करना होगा. तो आप देखते हैं ए क्यूब 5x क्यूब माइनस बी क्यूब 3y क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी थ्री एज, दिस इज ए एंड दिस इज बी इज 5x बी इज 3y
इसमें ये नहीं करना है आपने कि माइनस थ्री ए बी किया, माइनस थ्री ए फाइव एक्स लिख लिया और बी माइनस थ्री वाई लिख लिया, ये नहीं करेंगे। इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए इज फाइव एक्स एंड बी इज थ्री वाई। फाइव क्यूब, फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव 125। फाइव क्यूब मीन फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव, दिस इज 125। एक्स क्यूब माइनस थ्री क्यूब, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री 27। वाई क्यूब माइनस थ्री इंटू फाइव 15 इंटू थ्री 45, माइनस 45 एक्स वाई टू फाइव एक्स माइनस थ्री 125 एक्स क्यूब 27 वाई क्यूब 5 इंटू 45 इंटू फाइव इज 225। अब बाहर माइनस है, अंदर वाले साइन चेंज होंगे, साइन चेंज होके माइनस 225 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एंड वाई, माइनस इंटू माइनस प्लस, इस तरह भी कर सकते हैं, या हमने कहा है जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो गए, हमें माइनस का साइन है ये प्लस हो जाएगा। 45 इंटू थ्री इज 135। आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिएगा, एक्स एंड वाई इंटू वाई इज वाई स्क्वायर। तो ये है हमारा रिजल्ट। अब अगर यहाँ पे प्लस होना है तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा, तो थ्रू आउट क्वेश्चन कुछ इसी तरह का होगा, लेकिन किसी जगह पे माइनस नहीं आएगा आंसर में, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस ही होगा। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। अब हमने एक और प्रॉब्लम आपके लिए सेट की, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू हमने ले ली, या x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू भी हम ले सकते हैं। तो x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू ली, कहा गया एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करें, एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर कैलकुलेट करें और एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब कैलकुलेट करें। इस क्वेश्चन को करने से अगर आपको 6.1 के कुछ क्वेश्चन क्लियर नहीं थे तो वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, तो अब आप जाके 6.1 के क्वेश्चन जो कि आपको क्लियर नहीं थे वो भी आप कर लीजिएगा। तो इसे आप कह देंगे जो गिवन है उसको इक्वेशन वन कह देंगे। तो क्या करेंगे इसको फाइंड करने के लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जो आंसर आएगा उसको दोबारा स्क्वायर करेंगे तो एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर मिल जाएगा, और जो गिवन इक्वेशन है इसका क्यूब लेंगे तो ये वाला आंसर आएगा। तो आपके पहले ही आपसे जेन में टारगेट होना चाहिए कि इक्वेशन वन को मैं पहले स्क्वायर करूँगा, मेरे पास जो आंसर आ जाएगा फिर मैंने उसे उसका जो आंसर आया उसका स्क्वायर लूँगा तो मेरे पास एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर आ जाएगा, और फिर जो गिवन इक्वेशन है दोबारा मैं वापस जाके उसका क्यूब लूँगा। किस तरह, इस तरह स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड मीन एक्स प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर, बोथ साइड मीन बोथ साइड नाइन स्क्वायर, दिस इज। अब स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लें यहां पर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वन बाय एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये फार्मूला हम लगा रहे हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू, ए इज एक्स एंड बी इज वन बाई एक्स इज इक्वल टू नाइन स्क्वायर मीन 81। तो अब इंटरेस्टिंगली हमेशा ये कट जाया करेगा, तो हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू 81।
एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 2। इधर एड हो रहा था, उधर लेंगे तो प्लस हो गया। सो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 79। तो ये हमने फाइंड किया, वैसे हमने इक्वेशन 2 कह दिया। अब जिस तरह हमने इक्वेशन 1 को स्क्वायरिंग बोथ साइड किया था तो हमारे पास रिजल्ट आ गया था एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 79। अब इसी क्वेश्चन को हम स्क्वायरिंग अगेन करेंगे, इसी क्वेश्चन को स्क्वायरिंग अगेन बोथ साइड। आगे स्टेप इसको मैं इधर ले आता हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। स्क्वायरिंग अगेन इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड्स और स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2, इसका स्क्वायर कर लेंगे। मैंने आपको पहले कहा पहले स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, आप स्क्वायर का करेंगे तो 4 बन जाएगा। उसी तरह स्क्वायरिंग बोथ साइड मीन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 79 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मीन ए स्क्वायर, सो ए स्क्वायर मीन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वन बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टू ए इज एक्स स्क्वायर एंड बी इज वन बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 79 स्क्वायर। 79 into 79 is 5871। अब फिर देखिएगा, आप रीचेक कर लेना हो, मे भी अगर मुझसे मल्टीप्लीकेशन में मिस्टेक होगी हो तो आप खुद से ठीक कर लेना इसको। 79 into 79, एक्स स्क्वायर और वन ओवर एक्स स्क्वायर कैंसल, फाइनल रिजल्ट इज एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर प्लस टू इज इक्वल टू 5871 और एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर इज इक्वल टू 5871 माइनस टू इज इक्वल टू 5869। सो एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर इज दिस मच, इज दिस मच। अगर यहाँ पे अब क्या था, माइनस अगर यहाँ पे होता तो फिर भी यही करना था, सिर्फ ये होगा कि अगर माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आता और जब इसको इस साइड पे ले जाते तो 81 प्लस 2 83 हो जाता, हमारा आंसर आता 1x² प्लस 1x² इज इक्वल टू 83। फिर जब हम उसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करते तो यहाँ पर हम 83 का स्क्वायर करते, यहाँ पर प्लस 2 ही आएगा, फिर इसको इधर ले जाते तो हमारे पास इससे आगे वही तरीका कार होता। एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 9 आप हो गया, माने आपने फाइंड करना था एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर और एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। हम फाइंड कर चुके हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर। रिपीट करता हूँ, इसको फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन को उसका स्क्वायर लिया था बोथ साइड से, जो आंसर आया था उसका दोबारा जब स्क्वायर लिया था तो ये आंसर आ गया। अब हम फिर क्या करेंगे, इस आंसर के लिए इन दो को हम यूज़ नहीं कर सकते, हम यूज करेंगे इसी को, टेकिंग क्यूब ऑफ इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। क्यूब ले लेते हैं तो क्यूब एक्स प्लस वन बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यूब। अब अभी ए प्लस बी होल क्यूब आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, खोल लें, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब
मीन ए क्यूब प्लस वन प्लस बी क्यूब प्लस ए बी एक्स इंटू वन बाई एक्स, ए इज एक्स एंड बी इज वन बाई एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू नाइन, नाइन जार 81, नाइन इंटू नाइन इंटू नाइन इक्वल टू नाइन, नाइन 81 इंटू नाइन, नाइन 729. सो 9 इंटू नाइन इज 81 मल्टीप्लाई बाई 9 इज 729. सो दिस इज 729. अब देख लें x प्लस वन बाई एक्स कैंसिल, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस वन बाई एक्स इज 9 इज 729. एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस 27 इज इक्वल टू 729 और एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब 729 माइनस 27 702. सो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 702. अब अगर आपके पास क्वेश्चन होता कि x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 9 क्यों लेते, तो आपने फाइंड करना होता x क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, तो यहाँ पे आ जाता है x क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब माइनस थ्री ए बी एक्स इंटू वन बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स, और एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू हम पुट कर देते तो यहाँ पे माइनस थ्री इंटू नाइन आता, वहाँ पे जब ले जाते यहाँ पे माइनस हुआ था इधर आके प्लस हो जाता और हमारा जो आंसर है एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब जो होता वो हमारे पास आ जाता 729 प्लस 27, तो ये आ जाता आपके पास 756. उम्मीद करता हूँ एक्सरसाइज 6.3 आप आसानी से आप कर लेंगे. अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूँगा. अल्लाह हाफिज़.